अंदर हम कुछ करते हैं तो हमारे स्कूल में प्लांटेशन हो रहे हैं हाउस वाइफ, तो अभी हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं एंड देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे और हमें अच्छा ऑक्सीजन भी मिले ताकि हम बीमार ना पड़े थोड़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। क्या है आज? अच्छा, इस एड डे के मौके पर आप लोग ये सारे कर रहे हैं? किस हाउस में आपको? आपने घर से प्लांट लाया था? सीड लाए? चलो ओके ओके। आज हम एड डे के मौके पर प्लांटेशन जहाँ पर छोटे क्लास से लेकर हायर क्लास तक हम लोग यहाँ पर लाइक उनको आगे का भी पता चले कि भाई अगर हम आगे से प्लांटेशन करते रहेंगे आगे आने वाले जनरेशन के लिए नहीं आएगा। प्लस जिन लोगों को ये चीज़ भी सिखाया जा रहा है कि हमें जितना हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हम ट्रीज काट रहे हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें बच्चों को साथ साथ में हम लोग इन्फॉर्म करते जाते हैं। प्लस बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी देते हैं कि भाई प्लांटेशन करने से क्या होगा, अगर हम लोग प्लांटेशन नहीं करेंगे तो आगे ऑक्सीजन कम हो जाएगा जिसे आगे आने वाले जनरेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आज हम लोग स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर हायर क्लास तक शामिल है इसमें, सारे बच्चों ने प्लांट्स भी लेके आए हैं, फीस भी लेके आए, प्लस छोटे छोटे फीस के लिए भी उन लोगों ने लाया हुआ है। सारे एरियाज में आप देख सकते हो बच्चों ने अपना अपना हाउस वाइज वो लोग अपना Hi everyone, I'm Amul Bani from class 9, belongs to Nair House. आज जो है हमारे स्कूल में प्लांटेशन डे मना रहे हैं तो इसके मौके पर मैं सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी एड डे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप लोगों को यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में और अपने सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन का काम करें और डिफॉरेस्टेशन करना थोड़ा कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन का काम करें। और हमारे स्कूल में तो प्लांटेशन डे यानी एड डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यानी इंडिया में जो है ये ज़्यादा ड्राई रीजन है लद्दाख, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए और एफोरेस्टेशन करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को पानी लगाएं और उनको हर रोज़ जो है आप लोग प्लांटेशन करने के साथ साथ उनको हर रोज़ एवरीडे यानी उनको पानी लगाएं सबसे पहले, और दूसरा तो उन लोगों का मतलब प्लांटेशन का ज़्यादा केयरफुल करें और उनको डिफोरेस्ट करना कम करें।